क्योंकि जब तक हम स्ट्रक्चरल चेंजिंग नहीं करेंगे। क्या चेंज करना चाह रहे हैं? चेंजिंग में कि जैसे हम महंगाई, बेरोजगारी, गरीबी की लड़ाई लड़ते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा जो अहम मुद्दा हुआ है सोशल जस्टिस की लड़ाई। सोशल जस्टिस की लड़ाई अगर हम लड़ते भी हैं, लेकिन जब हक देने की बारी आती है तो हम गरीब, दलित, वंचित को वो हक नहीं दे पाते हैं जिसका वो हकदार है। तो आपका कहना परिणाम है कि आज पार्टी जो है लो लेवल पे चल रही है। युवाओं के लिए देखिए, जो है यहाँ पे बहुत सारे युवा, यूथ जो है वो अभी बहुत जल्दी जो है मेंबरशिप लिए हैं, और उनका ये फर्स्ट जो है प्रशिक्षण शिविर चल रहा है, जिसमें हमारे जो वरिष्ठ नेता हैं कांग्रेस पार्टी के, जैसे तारिक अनवर जी हैं, उसके बाद यूथ कांग्रेस के जो प्रेसिडेंट हैं श्रीनिवास जी हैं, अलवेरा जी हैं जो कि इंचार्ज हैं अभी यूथ कांग्रेस के, राष्ट्रीय जो है इंचार्ज हैं, दूसरा लांबा जी हैं, अलगा लांबा जी हैं जो दिल्ली प्रदेश युवा कांग्रेस पार्टी के जो वरिष्ठ नेता है, तो ये सब आकर के जो है बच्चों को ट्रेनिंग दे रहे हैं, खास करके जो है कांग्रेस पार्टी की क्या विचारधारा रही है, किस आधार पर जो वो लड़ाई लड़ते हैं, खास करके जो है बीजेपी से, जो कि नेशनलिज्म, कल्चरल नेशनलिज्म की बात करती है। और मैं मानता हूँ कि कांग्रेस पार्टी में, जहाँ तक मेरा एनालिसिस है, कि बेसिक जो स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चरल चेंजिंग करने की जरूरत है। क्या चेंज? जब तक हम स्ट्रक्चरल चेंजिंग नहीं करेंगे। क्या चेंज करना चाह रहे हैं? चेंजिंग में कि जैसे हम महंगाई, बेरोजगारी, गरीबी की लड़ाई लड़ते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा जो अहम मुद्दा हुआ है सोशल जस्टिस की लड़ाई। सोशल जस्टिस की लड़ाई अगर हम लड़ते भी हैं, लेकिन जब हक देने की बारी आती है तो हम गरीब, दलित, वंचित को वो हक नहीं दे पाते हैं जिसका वो हकदार है। तो आपका कहना परिणाम है कि आज पार्टी जो है लो लेवल पे चल रही है, जो कि एक समय में राष्ट्रीय पार्टी थी और काफी अच्छा इनका, आज भी राष्ट्रीय पार्टी है, आज भी राष्ट्रीय पार्टी है, लेकिन जो मुद्दा होना चाहिए गरीबी का मुद्दा, उससे भटक गई है, उससे भटक गई है। और मुझे लगता है सोशल जस्टिस की लड़ाई सर्वोपरि होना चाहिए। नहीं तो गरीबों के लिए तो आज राहुल गांधी पूरा पद यात्रा किए, बिल्कुल भारत जोड़ो यात्रा जो है बहुत बड़ा मैसेज है, खास करके राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा का कोऑर्डिनेट कर रहे थे, और जिस जिस रास्ते से चल रहे थे तो काफी ज्यादा युवा, महिला जुटे हैं, लोग वंचित शोषित जो है राहुल गांधी से सवाल कर रहे थे, उनका जो भी इश्यू था वो उनसे शेयर कर रहे थे। और पहली बार कौन है कि आखिर ग्राउंड लेवल पे क्या इश्यू है, क्या समस्या है। यहाँ पर बैठक दो दिन का हुआ, युवाओं के लिए क्या मेन परीक्षण दिया, क्या आगे का रणनीति तय किया गया, ये बताएं। देखिए यहाँ पे दो दिन से चल रहा है, आज सेकंड डे है, यहाँ पे जो मेन प्रशिक्षण शिविर में जो दिया गया है लेकर के प्रशिक्षण, वो है कांग्रेस की विचारधारा, जो हमारी विचारधारा है सेक्युलरिज्म की, जो हमारा पैरम्बल है कॉन्स्टिट्यूशनल, जो पैरम्बल है जिसमें कि लिबर्टी, इक्विटी, फ्रेटर्निटी एंड सोशल जस्टिस, वो हमारा विचारधारा है, जो डेमोक्रेटिक वैल्यू है। क्योंकि आज जिस तरीके से संघ द्वारा जो कोशिश भाजपा की सरकार है, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूट है उसका दुरुपयोग करके तानाशाही की शासन कर रही है, इसके फेवर में जो है ये प्रशिक्षण शिविर जो है। क्या लग रहा है 2024 की तैयारी है युवाओं को लेकर? क्या देखिए, यूथ, महिला, दलित, वंचित, शोषित हमारे लिए हमेशा सर्वोपरि रहा है, और हम उसकी लड़ाई हमेशा लड़ते आए, स्वतंत्रता के समय भी थे और आज भी है। कांग्रेस कहाँ पे कमी कर रही है, कहाँ पे चूक कर रही है जो आज इतना नीचे आ गई, ये आपका कहना है? देखिए, जवाहरलाल नेहरू जी का एक कोटेशन था कि जो धर्म भीरू समाज है उसको एक समावेशी समाज में बनाने की जो चुनौती है वो हमारे सबसे अहम चुनौती है, और उसी की लड़ाई आज हम लड़ रहे हैं। क्या नाम हो आपका? दिलीप कुमार। किस चीज़ से जुटे हुए आप? मैं दिल्ली प्रदेश युवा कांग्रेस जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय का मैं चेयरपर्सन हूँ, और बिहार प्रदेश युवा कांग्रेस में कार्यकारिणी सदस्य हैं, सोशल मीडिया में स्टेट कोऑर्डिनेटर।